हाँ मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मेरी हालत थोड़ी फट रही है। 2 करोड़। 2 करोड़ की रुक जाइए, क्या सीन चल रहा है सब मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। ये ठंडी की मेरी पहली राइड है, मतलब ठंडी चालू हो गया बहुत खतरनाक। अब तक जो आपने देखा था वो कुछ नहीं है, अभी हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं गाइस। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस बार मैं और हमारे यहाँ पे धवल भाई जो हूबहू मेरी जैसे लग रहे हैं। ओके तो हमारे जो भाई है एकदम बिजी हो गए फोन में यहाँ पे। ओ बिजी हो। ये फाउंटेन का झील है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखेगा आपको। सामने पहाड़ों का नज़ारा है और यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है, मतलब फ्यूचर में पर्यटक बहुत सारे यहाँ पे आएंगे। शुरुआत करते हैं, हम थाने में हैं तो भाई थाने में 4-5 ट्रैफिक, मतलब 4-5 सिग्नल आएगा और 4-5 सिग्नल पे रुकेंगे। सिग्नल क्रमांक 1, सिग्नल क्रमांक 2। यहाँ पे मिले हमारे थाने के सब्सक्राइबर से, तो यहाँ पे गाड़ी रुकने वाली नहीं है बिकॉज एक्सप्रेस बन चुका है ये। अरे यार क्या करेंगे, जॉब तो वही है। कितने लोग पोस्टर आए मैं उनसे नहीं मिल पाया, मतलब काम के वजह से। अभी कहाँ जा रहे हो जॉब? ओके ट्रैवल्स में काम करता था, तो जब मैं अलीबाग गया था एक गाड़ी लेके, तो मैं इस होटल पर रुका था और पता नहीं था कि आज ये धवल भाई इसी होटल पर रुकेंगे। भाई यहाँ पे धवल भाई ने मुझे एक चैलेंज दे दिया कि ये वॉच, ओके ये वॉच पहन के दिखा दो, तो देखो ये वॉच कैसा है। अब मेरा उल्टी उधर था, मेरे लिए एक चैलेंज। ये ऐसा जाएगा बराबर है ना, लेकिन मैंने ज्यादा टाइट वाला किया है। अच्छा ये ज्यादा टाइट वाला, मैं समझ गया भाई। और ये खतरनाक घड़ी यार, कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? 2 करोड़ की घड़ी है, समझ लो 2 करोड़ मतलब ये नहीं मतलब इसका दूसरा बड़ा हुआ भाई, ये तो इसका छोटा भाई। खतरनाक वॉच है। इसका नाम क्या है ओरिजिनल? हबलॉट नाम है, हबलॉट फरार घड़ी है। लाजवाब। सो यहाँ पे थाने में है मैसूर मसाला। इडली वड़ा खत्म, तुम्हारा खत्म हो गया, देखो कितना फास्ट खाते हो। यहाँ पे खाना पीना हो गया और अब जो बहुत मज़ा आ गया, मतलब जहाँ 2 साल पहले आए थे हम, आज वहाँ 2 साल बाद के बाइक पे आए, एक अलग ही खुशी हुई मेरे को। और ये तो हमारे क्या बोलते हैं नेविगेशन है यहाँ के रास्ते। एंजॉय। मुझे याद आया कि 2 साल पहले जब आया था तभी भी रास्ता बन रहा था, अब 2 साल बाद है अभी भी रास्ता बन रहा है। देखिए बहुत गलत टाइम पे हमने ये राइड डिसाइड कर लिया, क्योंकि आज है सैटरडे। ओहो धवल भाई निकल गए, हम यहाँ से धीरे धीरे चलो 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 चलो। लंबी ट्रैफिक है राइट नाउ, राइट नाउ जैसे के जमाना था। आपके टर्न मारा है लेफ्ट, सबसे रास्ते अच्छे आ रहे हैं, मतलब एक साइड बंद है एक साइड चालू है। दोस्तों 10 किलोमीटर हो गया भाई गोशे से यहाँ तक, और अभी तक हम लोगों को सांभर उम्बर और चाय और पानी बिल्कुल पिया नहीं। क्या देखिए कैसा होगा। एनीवे का न्यू सॉन्ग। ओके
राइड किया, अब यहाँ से प्लान थोड़ा सा चेंज किया, हम लोग कहीं और घूमने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक ऐसा सीन हुआ, मतलब बाइक जैसे कार कैसे पीछे खड़ी है वैसे, मतलब एक आदमी बोल रहा था कि बाइक को तुम वैसे लो, ये साइड से मत लो, ऐसे बोल के जा रहा था वो। इतनी बड़ी लाइन हो गई है, पूछो मत। अब मुझे समझ, जब मुझे ये जानना ये ट्रैफिक लगी क्यों है, ये ट्रैफिक लगी क्यों है। की थकान चली गई ये रास्ते पे गाड़ी चला के, इतना सही रास्ता है। ओह पानी चल रहा है यार, रोड से है तो इसलिए तो बोला कि चलो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हम ऊपर जाके देखते कि रास्ता कहाँ तक जाता है। वैसे ऊपर तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमें बहुत आगे भी जाना है, यहाँ से और 250 किलोमीटर दूर है, और ये सब बच्चे सब आ रहे हैं वहाँ पर। बाय बाय। वाह पूरे चल के आ गया यार, मतलब सही है। आखिरी मंजिल ये देख लो, हम पहुंच गए हैं रायगढ़, और रायगढ़ किला जाने का रास्ता यहाँ से है ऊपर, यहाँ से आप रायगढ़ किला ऊपर जा सकते हो। और बीच में ये फ्रेम में कौन आ रहा है भाई, क्या कर रहे हो, हालत देखो, पहली राइड में आपकी हालत देखो क्या हो गई है, देखो कैसे करे बारे, ओहो हो दिल मानता नहीं। अरे क्यों नहीं जाने वाले, क्योंकि हमको भाई और 250 किलोमीटर भाई आगे जाना है, तो फिर कभी आएंगे तो जाएंगे। अरे मेरा चाबी ऑन कर दो ना, चाबी ऑन ही है, लाइट जल रहा है। और वहाँ पे जो दूर है ना, वो दूर अंकल हमारे बोलसर के अंकल मिल गए यहाँ पे, जो दांडीपाड़ा से आए हैं। और यहाँ पे आंटी कोकम शरबत बना रही है, ओके मुझे भी पीना था बट लेकिन मैं नहीं पीऊँगा, तुम वीडियो निकाल लो। कितना स्लो आ रहा है ना, और एक ऊपर जा रहे हैं। मतलब तू सांग इत जीवन कुछ बैठते सस्ते वाला, एक हाँ सस्ते वाला जीवन चांगलं घराचे इथे बाजूला इथे चांगलं जेवण भेटते। मी एकदा विचारतो मित्रा, इथे जेवण पे भेटतो आम्ही, जेवण करून निघू का इथून, टाइम पण झाले आहे ना, तो इथेच आम्ही जेवण करू का। हम लोग यहां से जा रहे थे जस्ट केबल वाला सीन देखने आए, तो बाजू में खाना दिखा, ऐसा लगा कि घर का खाना है, ऐसा लगा कि घर का खाना है, पोस्टर में देख के लगा था भाई, बोला कि सीधा खाना खा लेते हैं, तो बहुत बढ़िया खाना खिलाया। ओके मैं वेज का पोस्टर, नॉनवेज का पोस्टर देख आया, लेकिन वेज बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था, मसाला था एकदम, मतलब दाल वाल सब्जी बहुत खतरनाक बनाया था। तो भाई कभी आना, दुकान का नाम क्या होटल था, मातोश्री होटल, मातोश्री, हाँ मातोश्री, मातोश्री। और जहाँ मतलब ये केवल है वहाँ बाजू में है ना, हाँ उसके बाद बहुत ज़बरदस्त है भाई, खाली आज के दिन नॉनवेज नहीं था, बाकी सब दिन रहते हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं, इसमें भी एग्जैक्ट 720 रुपये का पेट्रोल गया, और इसमें भी एग्जैक्ट 700 रुपये का पेट्रोल गया, और मेरा एक एवरेज है दोनों का, सेम टू सेम एवरेज है, कुछ फर्क नहीं है। तो उससे अच्छा आप यही ले लो ज़्यादा सीसी का। तो ये लगता है ये रास्ता पूरा घूम के वहाँ पे जाएगा। वाह यार, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, क्या बात है। चलो जी चलो, ओ, 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 ओ। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा काठमांडू जैसा फील दिला रहा है, पूरा काठमांडू जैसा, मतलब रास्ता आपको सीधा मिलेगा नहीं, पूरा एकदम टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा, टन टन टन, और बीच में गड्ढे भी वैसे सेम टू सेम। काठमांडू याद आ गया मुझको। भाई वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, पर क्या करो यार, जो नज़ारे हैं ना यहाँ के भाई पूछो मत, मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई, एकदम रास्ते इतने अच्छे हैं ना, मतलब घाट के रास्ते इतने अच्छे, इतने बड़े ना, इतने चौड़े ना भाई, मज़ा आ गया हम लोग को। अभी कौन सा घाट चालू होने वाला है, कसेड़ी घाट, कसेड़ी घाट, मतलब डेंजर है वो, ये बहुत बड़ा घाट है, बारिश के टाइम पे मोस्टली जो वहाँ पर से जो पहाड़ है वो टूट के गिरता है, गिरते रहता है, और हाँ बारिश के टाइम पे, और रास्ता उसके वजह से बंद भी होता है कभी कभी, रास्ता बंद भी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले अब तुम अपना इलाज कराओ भाई, इनकी एक दिन में हालत टाइट हो गई, तभी हम थोड़ा चाय वाय चुस्की मारते हैं, कि हमने गाड़ी आगे पार्क कर दी और दुकान पीछे, तो आप जाओ चाय लेके आओ, मैं जब तक गाड़ी देखता हूँ कोई लेके ना चल जाए हमारा बैग भी।
तो यहाँ से घाट का रास्ता स्टार्ट हो गया और ये देखिए यार काफ़ी ठीक भी है यहाँ पे, वो देखिए वहाँ से जाएंगे हम पूरा। ये चलो चलो चलो, ओ हो इसका टायर पूरा ये हुआ, यही था यही लोग वहाँ से फ़ोटो निकाल के खींचते, ये वाला अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे ना गणपति पुल है तो पहला फ़ोटो ये आएगा। यार बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है कि को क्या है यार, ये तो फुल एकदम कश्मीर लद्दाख जैसा दिख रहा है यार। यहाँ पे तबीयत खराब हो सकती है, पूछो क्यों, क्योंकि ऊपर धूप था, ऊपर थोड़ा गर्मी लग रहा था, लेकिन जैसे नीचे आए वैसे वातावरण तापमान सीधा नीचे गिर गया, ठंडी लग रही है, बिल्कुल ही ठंडी लग रही है मुझे यहाँ पे। गणपति पुले जो है 120 किलोमीटर है और यहाँ जो नज़ारा दिख रहा है मुझको और देख रहे हो आप, गोप्रो में उतना नहीं आ रहा होगा लेकिन भाई देखो कि पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सन जो है डूब रहा है लेकिन सन के आगे बादल है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ दुकान उकान है क्या, आपको खाएगा भाई एक ही बड़ा। अरे भाई नज़ारा देखो यार, तो यार भाई ये कौन सा जगह है, ये परशुराम घाट, इसलिए मैंने नेविगेशन को साथ में लाया, ये है नेविगेशन। तो मैं कुछ लेके आता हूँ, आप जब तक बैठो खाओ और नज़ारे लो। भाई अंधेरा हो चुका है, ज़बरदस्त नज़ारा और बैठे सुकून से। अब यहाँ से 97 किलोमीटर है, गाली नहीं इमोशन है, चालू है, खेलना भी नहीं चाहिए सर, चालू करता आप, देखना लाइट देखना, वो दिवाली आ गई भाई यहाँ पे तो भाई, ये इधर ही पॉइंट है। हाँ मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी पीछे से ना ऐसे ऐसे हो रही, मुझे लगा कि रास्ता खराब है, लेकिन अभी जाके तो मुझे डाउट तो हुआ ही था कि पंचर हो गया। तो यहाँ पे गाइस मेरी गाड़ी पंचर हो गई, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ। तो 30 किलोमीटर अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी गाड़ी पंचर है, तो अब मेरी हालत थोड़ी फट रही है कि अब पूरा भवाला निकल जाए यार। अरे आई होप पता चल जाए सब, बस थोड़ी देर और, यहाँ से 30 किलोमीटर गणपति पुले है और पता नहीं गाड़ी से हवा पीछे से हवा कैसे निकल गया। अभी भाई ने पंचर चेक किया तो पंचर था ही नहीं, बोले कि हवा निकल गया। मैं टेंशन में आ रहा हूँ कि जब मैं 26 दिन गाड़ी पे 7000 किलोमीटर घुमा तो बिल्कुल हवा नहीं निकला और ये 400 किलोमीटर गाड़ी में से हवा निकल गया। लो अरे लगता भी नहीं है, क्या धवल भाई क्या कमरा लिया है जिसका कड़ी भी नहीं लगता है। हाँ और ये काम करता है, अरे काम करता बंद हो गया, हाँ काम करता है। ओके गाइस तो यहाँ पे हमने ये कमरा लिया है, धवल भाई यहाँ के इनके रेगुलर कस्टमर है तो डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ गए, तो 1200 रुपये लिए और एक दिन के लिए, क्योंकि सीजन का सीजन चालू हो गया। क्या चालू हो गया सीजन, मतलब चार दिन वो कुछ शनिवार का सीन होता है कुछ, तो बहुत वो बुकिंग है, तो हमारा प्लान चेंज हुआ है और मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है ये होटल नहीं, ये शादी में आए हम लोग खाने के लिए, थोड़ा बोल के दिखाओ। खत्म, एक ही राइड में इनकी हालत टाइट हो गई यार, क्या बात है, चिकन ग्रेवी ये कुछ तो है, खट्टा है ये सोल कड़ी। ओके ये सोल कड़ी मतलब थोड़ा छाल जैसा है, खट्टा है थोड़ा सा, इमली से बना है। या इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और ये रहा धनंजय भैया का जैकेट, ये जैकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत सही है, और वो जैकेट धवल भाई के लिए बहुत सही है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल घूमेंगे पूरा यहाँ का गणपति जितना भी मंदिर है कवर करेंगे, एरिया अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छा जगह है, शांति है बहुत, यहाँ पे बीच के पास है मतलब 10 कदम बीच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई इधर से कोई है क्या, तो बाकी आपको कैसा लगा आज का राइड, तो कमेंट्स कर दीजिए।